हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी घर में एक एयर कूलर यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली करते ही होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप में से कई ज़्यादा व्यूवर्स के घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि आप कूलर को अपने घर से बाहर रख सकें, और ऐसे में आपको कूलर को अपने रूम के अंदर या अपने हॉल के अंदर रखना पड़ता है। हॉल और रूम के अंदर जब हम कूलर रखते हैं तो उसके अंदर कूलर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होने लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे पास भी काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो मैंने इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढा है और अपने रूम में ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ पर मुझे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिल सके और कूलर अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट ना करें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको दो तीन वे और बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने कूलर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अभी आपको रूम के अंदर ले जाकर के बताऊंगा। मैंने अपने एयर कूलर को अपने रूम के अंदर ही रखा हुआ है और वहां पर वो बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं करता है। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर एक एयर कूलर रूम के अंदर किन कारण से ह्यूमिडिटी को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, कूलर जब भी वर्क करता है तो उसके अंदर आपको दो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक फैन देखने को मिलता है और उसके अंदर लगी होती है तीन तरफ जालियां और उनके अंदर से पानी फ्लो हो रहा होता है। अब दोस्तों, कूलर क्या करता है कि जब वो फैन चलता है तो वो हवा को पीछे से सक करता है और वो जो हवा सक होती है वो उन जालियों के बीच में से होकर के और फैन से वो आपके सामने उनको फेंकता है। तो यहां पर एयर कूलर क्या करता है कि जो गर्म हवा है जिसके अंदर नमी कम है उसके अंदर नमी को बढ़ाता है, और जब वो पानी वाली जालियों के बीच में से हवा गुजरती है तो अपने साथ में और ज्यादा वाटर वेपर्स को कैरी कर लेती है, उस वजह से हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है। यही वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि जब कूलर लगातार ये काम करता है तो आपके रूम के अंदर जो भी हवा है, क्योंकि कूलर अगर रूम के अंदर पड़ा है तो वो वहीं से हवा को करेगा, उसको बाहर से फ्रेश एयर या कम वाटर वेपर्स वाली एयर तो मिल नहीं रही, तो उसी हवा को वो बार बार फ्लो करेगा और इसकी वजह से रूम के अंदर जो हवा है उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि नमी उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो वाटर वेपर्स आपकी बॉडी से चिपकने लगेंगे और आपको चिपचिपाहट महसूस होने लग जाएगी। अब यहां पर दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको अपने रूम में और वहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो ये आ चुका हूँ मैं अपने रूम के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एयर कूलर रखा हुआ है, ये मेरा पूरा रूम है और यह मेन डोर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने रूम के अंदर इस एयर कूलर को रखा हुआ है और यहाँ पर इसके पास में एक खिड़की है। वेंटिलेशन, एयर कूलर को अगर प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा तो एयर कूलर बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक विंडो है, अभी मैंने इसके ऊपर ग्लास लगाया हुआ है क्योंकि बाहर जो है हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जाली लगी हुई है, पीछे ग्लास है। मैं रात को इस ग्लास को पूरा ओपन कर लेता हूँ, दिन में इतना ओपन रखता हूँ ताकि गर्म हवा आए पर बहुत ही कम आए। और यहाँ पर मैंने ग्लास के जस्ट सामने एयर कूलर को रखा हुआ है, यहाँ से इसको फ्रेश एयर थोड़ी बहुत मिलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक वेंटिलेशन लगा हुआ है और इस रूम के इस साइड में ऊपर एक वेंटिलेशन लगा हुआ है और यहाँ पर जो डोर नहीं है। तो यहाँ पर इस कूलर को जब यहाँ से फ्रेश एयर मिलती है और हम यहाँ पर इधर ये इधर बेड लगा हुआ है यहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन इसको मिल जाता है क्योंकि यहाँ से ये एयर को सक करता है और यहाँ से भी हवा प्रॉपरली यहाँ पर फ्लो होती रहती है। ये एक रूम है और इधर मैं बता देता हूँ मैंने एक व्यवस्था और की हुई है। ये यहाँ पर ऊपर एक वेंटिलेशन लगाया हुआ है और इसको मैंने आधा ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस जगह आपको थोड़ा सा ओपन ये दिखाई दे रहा है, ऊपर मैंने जाली वगैरह लगाई हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से प्रॉपरली जो उधर से एयर आती है ह्यूमिड वाली एयर वो डायरेक्टली ऊपर पास हो जाती है, तो जैसे दोस्तों मेरे रूम के अंदर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होती। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपके पास में ये गेट भी नहीं है, ऊपर वेंटिलेशन भी नहीं है और पीछे हवा निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों ये एक विंडो है और अगर आपके रूम में इधर की साइड में दूसरी साइड में एक विंडो है तो आप उसे ओपन रखिए, दोनों विंडो को ओपन रखिए ताकि हवा इधर से इधर क्रॉस हो जाए, इसकी वजह से रूम के अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होगी। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों कई बार सिटी के अंदर हमें ऐसी स्पेस नहीं मिल पाती कि हम इतनी खिड़कियां वगैरह रख पाए, तो कम से कम एक वेंटिलेशन तो हमारे रूम के अंदर होता ही है। जिस तरीके से ये वेंटिलेशन है यहां पर आप फिक्स कर सकते हैं एक एग्जॉस्ट फैन को। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन तो लगा देते हैं लेकिन उसके आसपास के एरिया को ब्लॉक नहीं करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि एग्जॉस्ट फैन जब हवा को बाहर फेंकता है तो वो उसके पास से ही हवा को लेकर के और फिर वापस वहीं से बाहर फेंक देता है, यानी कि रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी को वो बाहर नहीं निकाल पाता। तो आप जब भी एग्जॉस्ट फैन को लगाएं उसके पास में कोई भी स्पेस अगर उस खिड़की के अंदर उस वेंटिलेशन के अंदर बच जाती है तो उसे प्रॉपरली पैक करें, बिल्कुल वहां से उसको एयर नहीं मिलनी चाहिए, एयर उसको रूम के अंदर से ही खींचना चाहिए तभी वो रूम की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपके रूम में एक भी खिड़की नहीं है केवल एक वेंटिलेशन है तो आप केवल एक वेंटिलेशन पर एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए और जब आप कूलर चालू करते हैं तो कूलर के साथ में उसे भी चालू कीजिए, तो फिर आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होगी। तो ये दो तीन सॉल्यूशन है जो अगर आपने रूम के अंदर आप कर लेंगे तो आपके रूम के अंदर एयर कूलर बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं करेगा। मेरे केस में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो एयर वेंटिलेशन है उसकी व्यवस्था मैंने प्रॉपर कर रखी है। और अगर आप भी कोई एयर कूलर परचेस करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे एयर कूलर्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से उन्हें परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।